गाजियाबाद में एक युवक ने अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी, तो वहीं गाजीपुर में एक मां ने 3 बच्चों को जहर दे दिया। हर जगह विवाद पति पत्नी के बीच हुआ था, लेकिन इसकी कीमत बच्चों ने जान देकर चुकाई। गाजियाबाद में शख्स ने 6 माह की गर्भवती पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी अमित पाल खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इससे पहले उसने ससुराल फोन कर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमित पाल है, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है जो कि गर्भवती है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हमने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली है। और जो हत्या का कारण बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी का अवैध संबंध होने का शक था, जिसमें कि उसने खुद कराया। आरोपी के मुताबिक पत्नी के अवैध संबंध थे। वहीं परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोग लड़की को परेशान करते थे, कई बार पिटाई भी की, लेकिन घर बसा रहे इसलिए तनु ने कभी रिश्ता तोड़ने की नहीं सोची। दोनों के 5 साल का बच्चा भी है। कह नहीं सकते कि आपस में क्या विवाद है इनका, पर लेकिन उसके वो कुछ अपने भाई के कहे में चलता था, जैसा उसका भाई कहता था वैसा करता था। बड़े भाई पहले से लड़की को परेशान किया जाता था? नहीं, पहले से किया। हाँ, लड़की को परेशान बता रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करने देते थे। हाँ जी, नहीं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देते थे, मोबाइल से उस पर था ही नहीं मोबाइल। गाजियाबाद में अवैध संबंधों के शक में शख्स ने पत्नी और पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला। वहीं गाजीपुर में पति से लड़ाई के बाद महिला ने 3 बच्चों को जहर दे दिया। घटना गाजीपुर के सुहवल की है। जानकारी होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। जो 2 बच्चे, उनमें 2 लड़के और 1 लड़की है, तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। सुनीता के पति किसी दूसरे शहर में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। फोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने चाय में मिलाकर बच्चों को जहर दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।